नमस्कार व्यूवर्स, आज आए कि एक दोस्त के सेटअप में आप लोग व्हाट्सएप पे या कमेंट में बोलते हैं अपना किसी दोस्त का सेटअप का वीडियो डालें। तो यह है कि एक दोस्त के सेटअप में आए हैं, उनका ये देखिए, उनका बिचीज का कॉलोन बहुत बड़े जो कॉलोनी कर दिया है। ठीक है, इनके पास 100 पेयर है, इन एक कॉलोनी में 50 पेयर है और एक कॉलोनी में 50 पेयर है, 20 से आप लोग देख सकते हैं 40 से डिवाइड कर दिया, ताकि थोड़ी सी केयर करने में इनका आसानी हो, बच्चे बच्चे मिक्स ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ना हो, पकड़ने में आसानी के लिए और भी बहुत सारे कारण हैं इनके लिए। इन्होंने कॉलोनी को इतना बड़ा कॉलोनी को नहीं रखा, बीच में से पार्टीशन कर दिया। देख सकते हैं सारे मटकी से मुंह बाहर कर रहे हैं, सारे बीट पे हैं, सारे अंडे बच्चे कर रहे हैं। इन बरसात गर्मियों में भी देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में अंडे बच्चे हो रहे हैं, बहुत बच्चे इनके पास निकले हैं और भी बहुत बच्चे मस्ती के अंदर हैं। तो कलर जो है कि बहुत ही बेहतरीन सा है, देख सकते हैं खाना वाना देख सकते हैं, खाना पानी एकदम, और केज भी इनका देख सकते हैं, बहुत ही साफ सुथरा केज है, देख सकते हैं मादी अंडों पे है इधर का। आचो से बाहर से इनका सेटअप का विजिट करवा रहे हैं आपको, कभी और दिन आएंगे इनका पूरा प्रोग्रेस शेयर करेंगे, हमारे घर के पास ही है, पूरा प्रोग्रेस शेयर करेंगे इसका, मटकी में कौन कौन सा पेयर ने कितना अंडा बच्चा किया, कौन कौन सा ब्रीड कर रहा है, क्या प्रोग्रेस चल रहा है, सब कुछ शेयर करेंगे। और बहुत सारे ब्रीडर्स दोस्त मैंने देखा यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस, और मैंने भी बोलता हूँ, मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि गर्मियों में ब्रीड बर्ड से मत लो, लेना ठीक नहीं है, लेकिन ये भाई साहब गर्मियों में भी इन कॉलोनी में बहुत ही अच्छी ब्रीड हो रही है इनकी। ठीक है, चार चार पांच पांच बच्चे निकल रहे हैं एक मटकी से। बेसिकली बात है कि केयर का, ये केयर बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। ठीक है, गंदम वगैरह देते हैं, पानी वगैरह हर टाइम चेंज करते हैं, और ये रखे हैं एकदम तीसरी मंजिल के जो छत है ना उसके ऊपर रखे हैं, तो हवा की जो वेंटिलेशन है वो बहुत अच्छी से होती है, बहुत हवा आती है, नदी के पास इनका घर है, बहुत हवा आती है, इतना हवा आती है शाम के टाइम पूछे मत, इनके लिए इतना इनका जो बर्ड्स है ये इतना सुस्त है और अंडे बच्चे भी बेहतरीन से हो रहे हैं। तो अगर आप ऐसा गर्मियों में भी ब्रीड कर लेना चाहते हैं तो किसी ऐसे जगह पर रखिए जहाँ का हवा का, ठीक है, हवा का आना जाना हो, हवा एक तरफ से आए दूसरी तरफ से निकल जाए, हवा का जो वेंटिलेशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से हो, या फिर केज में आप कॉलोनी में वेंटिलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद होगा, कॉलोनी का एक सेटअप विजिट किया था आज मैंने इनका केज में, बहुत सारे बर्ड्स इनके पास हैं, आगे आगे दिखाएंगे आप लोगों को। तो वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा पेट्स एम्पायर चैनल को, ताकि मैं डेली बेसिस पे नया नया वीडियो लेकर आ सकूँ ऐसा आप लोगों के लिए, पेट्स रिलेटेड, एनिमल रिलेटेड और इंसेक्ट रिलेटेड और बर्ड से रिलेटेड। तो व्हाट्सएप का ग्रुप एक है वार पेट्स एम्पायर, उस ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए, लिंक को क्लिक करती आप सीधा ज्वाइन हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।